तो दोस्तों आईपीएल 2020 की नीलामी में सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों। इसी के कड़ी में आज मैं बताने वाला हूं ऑक्शन प्री स्ट्रेटेजी, यानी आखिरी बार करने वाला हूं सभी टीमों का ऑक्शन स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों पूरे डिटेल के साथ वीडियो है, हमेशा तरह एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर टीम के नाम की बात करें तो दोस्तों पहले टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के पास फिलहाल में पर्स वैल्यू बचा है 27.85 करोड़। इनके पास स्लॉट जो बचे हुए हैं वो 11 और ओवरसीज खिलाड़ियों के लिए 5 स्लॉट बचे हुए हैं। अब दोस्तों बात करें कि आखिर इस बार की नीलामी में वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट है दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि इस बार की नीलामी में भरती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार की नीलामी में मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को अपने देखती हुई नजर आएगी, यानी उनके मिडल ऑर्डर की जो परेशानी है वो भरते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है इनके ऑलराउंडर्स को। तो इस बार की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स एक ओवरसीज ऑलराउंडर को जरूर ढूंढना चाहिए। और दोस्तों हम बात करें अब तीसरे रिक्वायरमेंट की, तो दोस्तों तीसरा रिक्वायरमेंट इनका है रबाडा का रिप्लेसमेंट, यानी वो खिलाड़ी की तरफ वो नजर डालेंगे जो कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए रबाडा का रिप्लेसमेंट हो सकता हो, या फिर रबाडा एक आध मैच न खेल पाए, या फिर रबाडा के साथ बॉलिंग करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स एक एक्स्ट्रा ओवरसीज बॉलर को ढूंढना चाहेगी। अब तो हम बात कर ले कि आखिर वो कौन कौन से पिक्स हैं इस बार की नीलामी में जो कि दिल्ली कैपिटल्स ढूंढते हुए नजर आने वाली है, कौन कौन से खिलाड़ी पे दाव खेलने वाली है। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की जो टॉप पिक्स रहने वाली है इस बार की नीलामी में दोस्तों वो रहने वाली है ग्लेन मैक्सवेल, शेमरॉन हेटमायर, डेविड मिलर, कार्लोस ब्रेथवेट, जेम्स नीशम, मिचेल मार्श, फेल्डन कॉटक्रेल, पैट कमिंस, डेल स्टेन और एंड्रयू टाई, यानी इतने सारे खिलाड़ियों के पीछे दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार की नीलामी में अपना पूरा दांव खेलने वाली। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे टीम के ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों दूसरे टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के पास फिलहाल में 28.9 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, 11 स्लॉट इनके पास खाली है और ओवरसीज खिलाड़ियों का स्लॉट इनके पास दोस्तों 4 स्लॉट है। अब दोस्तों हम बात कर लें कि आखिर राजस्थान रॉयल्स के पास वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट है इस बार की नीलामी में भरने के लिए। तो दोस्तों पहला रिक्वायरमेंट राजस्थान का है वो है दोस्तों फिनिशर्स को लेकर हुए, इस बार की नीलामी एक अच्छे फिनिशर्स को जरूर ढूंढना चाहेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों दूसरा रिक्वायरमेंट जो इनका रहने वाला है इस बार की नीलामी में वो रहने वाला है इनका फिंगर स्पिनर्स को लेके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके टॉप पिक कौन रहने वाले हैं, कौन कौन से पिक्स रहने वाले हैं जो कि इस बार की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ढूंढने वाली है। दोस्तों इनके जो पिक्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल, दीपक हुड्डा, एलेक्स कैरी, आर साई किशोर, ईशान पोरेल और फैबन एलन, यानी इतने सारे खिलाड़ियों के पीछे इस बार की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स की टीम नीलामी में जरूर बोली लगाना चाहेगी। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब तीसरे टीम के ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों तीसरे टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग पास फिलहाल में 14.6 करोड़ रुपए बचे हुए, स्लॉट इनके पास 5 है और ओवरसीज खिलाड़ियों का जो स्लॉट बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है जो कि इस बार की नीलामी में भर्ती हुई नजर आने वाली है चेन्नई सुपर किंग। तो दोस्तों पहला रिक्वायरमेंट जो इनका रहने वाला है वो रहने वाला है एक अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर जो कि कम से कम 140 से प्लस बॉलिंग करता हो। दोस्तों हम बात कर ले दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इनका जो दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है एक अच्छा इन्हें टॉप ऑर्डर विदेशी बल्लेबाज चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके कौन कौन से पिक्स रहने वाले इस बार की नीलामी में। तो दोस्तों इनके जो पिक्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं पैट कमिंस, नॉर्किया, मैट हेनरी, अल्जारी जोसफ, एरोन फिन, सिमरॉन हेटमायर और टॉम बेंटन, ये रहने वाले इनके टॉप पिक। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब चौथे टीम का ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों चौथे टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के पास फिलहाल में 13.05 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, स्लॉट इनके पास 7 है और जो ओवरसीज खिलाड़ियों का स्लॉट बचा हुआ है वो दोस्तों बचा हुआ है 2। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों इनकी ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली जो रिक्वायरमेंट इनके रहने वाली है ये एक अच्छे मलिंगा के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक अच्छे विदेशी गेंदबाज को ये ढूंढना चाहेंगे। अब दोस्तों हम बात करें इनके दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इनका जो दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो ये एक अच्छे और टॉप स्पिनर्स को ये ढूंढना जरूर चाहेंगे इस बार की नीलामी में। अब दोस्तों हम बात करें इनके पिक्स के बारे में, वो कौन कौन से पिक्स रहने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस इस बार की नीलामी में दांव खेलने वाली है। तो इनके जो टॉप पिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं नाथन कुलकर नाई, टीम साउथी, पीयूष चावला, वरुण चक्रवर्ती और टॉम बेंटन, ये खिलाड़ी रहने वाले जो कि मुंबई इंडियंस के पीछे 100% कंफर्म है कि दाव खेलती हुई नजर आने वाली। दोस्तों हम बात करते हैं पांचवें टीम के ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों पांचवें टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास फिलहाल में जो पर्स वैल्यू बची वो बची हुई 27.9 करोड़ रुपए, जो इनके पास स्लॉट बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 12 और ओवरसीज जो स्लॉट है वो है दोस्तों 6। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट है जो कि आरसीबी की टीम इस बार की नीलामी में भर्ती हुई नजर आने वाली। दोस्तों इनका जो पहला रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों ये फिनिशर्स को लेके, ये एक अच्छे फिनिशर्स को इस बार की नीलामी में जरूर ढूंढना चाहेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों दूसरा रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है वो रहना है एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर, ये इस बार की नीलामी में एक अच्छे डेथ बॉलर को जरूर ढूंढना चाहेंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके कौन कौन से पिक्स रहने वाले इस बार की नीलामी में। दोस्तों आरसीबी की जो पिक्स रहने वाली है वो रहने वाले हैं
पैट कमिंस, शेल्डन कॉटरेल, मिस्टर फिजूर रहमान, एंड्रयू टाई, ग्लेन मैक्सवेल, इयान मॉर्गन, डेविड मिलर और जयदेव उनादकट, यानी इन खिलाड़ियों के पीछे इस बार की लाग में आरसीबी की टीम 100% कंफर्म है कि बिडिंग करने वाली। तो दोस्तों लोग बात कर लेते हैं अब छठे टीम के ऑक्साइड स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों छठवीं टीम का नाम है किंग्स इलेवन पंजाब। किंग्स इलेवन पंजाब के पास फिलहाल में 42.7 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। जो स्लॉट इनके पास है वो 9 है और ओवरसीज खिलाड़ी का जो स्लॉट है वो दोस्तों इनके पास बचा हुआ है 4। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं जो कि इस बार की लाग में किंग्स इलेवन पंजाब 100% भर्ती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों पहला रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है इनका एक अच्छा फिनिशर। ये इस बार की लाग में एक अच्छे फिनिशर की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इनका जो दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है एक अच्छे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पिक्स की, वो कौन कौन से पिक्स रहने वाली है जो कि किंग्स इलेवन पंजाब इस बार की नीलामी में दांव खेलने वाली है। दोस्तों इनके जो टॉप पिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं पैट कमिंस, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, ओशेन थॉमस, मनोज तिवारी, ग्लेन मैक्सवेल, यूसुफ पठान, मार्कस स्टोइनिस और जयदेव उनादकट। तो दोस्तों ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे किंग्स इलेवन पंजाब 100% कंफर्म है कि इनके पीछे बिडिंग जरूर करने वाली। और किंग्स इलेवन पंजाब के पास जो सबसे ज्यादा फायदा है वो है इनकी पर्स वैल्यू। ये इनके पास जो इस बार की लाइन में सबसे ज्यादा पर्स वैल्यू लेके उतरने वाले हैं। तो दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब इस बार की लाइन में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खरीदती हुई नजर आ सकते। दोस्तों हम बात करते हैं सातवें टीम के नाम की। तो दोस्तों सातवें टीम का नाम है केकेआर। केकेआर के पास फिलहाल में 35.65 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। स्लॉट जो इनके पास है 11 और ओवरसीज खिलाड़ियों का जो स्लॉट बचा हुआ है वो बचा हुआ है 4। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहने वाली इस बार की लाइन में जो कि केकेआर की टीम भरने वाली है। तो दोस्तों पहला रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है पेसर्स को लेकर। इस बार की लाइन में एक अच्छे पेसर्स को जरूर ढूंढना चाहेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है आंद्रे रसेल के बैकअप को लेके। ये इस बार की लाग में एक अच्छा आंद्रे रसेल के बैकअप के रूप में खिलाड़ी को जरूर लेना चाहेंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके पीछे ये जाने वाले हैं, यानी वो कौन कौन से पिक्स रहने वाले हैं केकेआर की। दोस्तों केकेआर के जो पिक्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं मिस्टर फिजूर रहमान, पैट कमिंस, ओशेन थॉमस, क्रिस जॉर्डन, क्रिस लिन, प्रियम गर्ग, एरोन फिंच, मार्कस स्टोइनिस और बैन कटिंग। तो दोस्तों ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे केकेआर की टीम इस बार की लाग में 100% कंफर्म है कि बिडिंग करने वाली है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आठवें टीम के ऑफसाइड स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों आठवें टीम का नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के पास फिलहाल में 17 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। स्लॉट इनके पास 7 है और ओवरसीज खिलाड़ियों का जो स्लॉट बचा हुआ है वो बचा हुआ है दोस्तों 2। अब बात करते हैं इनके रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के पास वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट बचे हुए हैं इस बार की लाग में लेके। दोस्तों पहला रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है पेसर्स को लेकर। ये इस बार की लाग में भुवनेश्वर कुमार के बैकअप के रूप में एक अच्छे खिलाड़ी को जरूर ढूंढते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के नाम, दूसरे रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों दूसरा रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद का वो रहने वाला है एक अच्छे फिनिशर्स को लेकर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पिक्स की, वो कौन कौन से पिक्स रहने वाली है सनराइजर हैदराबाद की। दोस्तों इनके पिक्स के बारे में बात करें तो वो रहने वाले हैं शिमरॉन हेटमायर, क्रिस मॉरिस, डेल स्टेन और एंड्रयू टाई। दोस्तों ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे सनराइजर हैदराबाद की टीम इस बार की लाग में 100% पीछे जाना चाहेगी। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बार की लाग में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो।